पेटीएम से जुड़े सभी व्यापारियों को मेरा नमस्कार। क्या आपको पता है कि आपके पेटीएम साउंड बॉक्स पर एक मैजिक बटन है जिससे आप अपने आखिरी सफल पेमेंट की वॉइस अलर्ट दोबारा सुन सकते हैं। ऐसे ही कुछ फायदे की जानकारी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आपके पेटीएम साउंड बॉक्स विद ब्लूटूथ में चार बटन होते हैं, पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और फंक्शन बटन। पावर बटन को 3 सेकंड तक दबाकर आप अपने साउंड बॉक्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। ब्लूटूथ ऑन या ऑफ करने के लिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन्स को एक साथ दबाइए। जब ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा तो साउंड बॉक्स पर यह वॉइस अलर्ट बजेगा, ब्लूटूथ स्विच्ड ऑन, और ऑफ होने पर ये ब्लूटूथ स्विच्ड ऑफ, और साउंड बॉक्स के वॉइस अलर्ट्स की आवाज को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम अप बटन दबाइए और आवाज कम करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन दबाइए। अब बात करते हैं अपने मैजिक बटन की, जिसे आप फंक्शन बटन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको आखिरी सफल पेमेंट के वॉइस अलर्ट का रिप्ले सुनना है तो इसे एक बार दबाइए। Received 5 rupees and 20 paise on Paytm। और पूरे दिन की कुल जमा राशि का वॉइस अलर्ट सुनना है तो इसे दो बार दबाइए। Today's summary for Paytm QR code। मतलब पेमेंट मिस होने का नो चांस। तो अब आसानी से अपने साउंड बॉक्स को इस्तेमाल करो और पेमेंट्स के साथ एंटरटेनमेंट के लिए इंडिया कहे पेटीएम करो।